नमस्कार दोस्तों, एनएच ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट में गुरु के गोचर का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि गुरु पिछले साल आपको क्या फल दिए, यानी कि 22 अप्रैल 2023 को जब गुरु आपके छठवें भाव में विराजमान हुए तो 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक आपको क्या आपके जीवन पे प्रभाव पड़ा गुरु के इस गोचर से, ये हम लोग जानेंगे। ताकि जब गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में 1 मई 2024 को होगा तो उसके बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव और क्या अंतर आने वाला है, ये आपको समझने में आसानी होगा। तो देखिए, गुरु आपके छठवें भाव में विराजमान हुए 22 अप्रैल 2023 को और 30 अप्रैल 2024 तक आपके छठवें भाव में ही विराजमान रहे। गुरु आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके पांचवे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान रहे। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान हुए। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग भी रोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे थे, यानी कि डॉक्टर थे, मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम कर रहे थे, मेडिकल स्टोर चला रहे थे, या कोई भी रोग से संबंधित अगर काम कर रहे थे तो उनके लाभ के योग बने थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। आपके शत्रु या आपके कॉम्पिटिटर से आपके लाभ के योग बन रहे थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और गुरु आपके पांचवें भाव के भी स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे थे। तो देखिए, पांचवें भाव के स्वामी छठवें भाव में विराजमान हुए तो पांचवा भाव हो जाता है आपके संतति प्रेम पढ़ाई साधना का। तो स्टूडेंट्स के पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। प्रेम संबंध में भी आपके कोई ना कोई परेशानियां उत्पन्न हो रही होंगी 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। आपके बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ रहा होगा, प्रेम संबंध को आपको आपके डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ रहा होगा, वरना वे आपके बात को नेगेटिव वे में ले रहे होंगे। कोई भी चीज अगर आप खुद से सीखने का प्रयास कर रहे होंगे तो उसमें आपको बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, आपको आसानी से वो चीज नहीं सीखने मिल पा रहा होगा। और आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, या फिर कोई विकारों के कारण आप चिंतन में रह रहे होंगे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। देखिए, यहाँ पे गुरु आपके छठवें भाव में विराजमान हुए ना, तो यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि में गुरु आ गए। तो यहाँ पे देखिए, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो थे वे आपके बढ़ने चाहिए थे, खासकर 22 अप्रैल 2023 से, तो उसको शनिदेव नियंत्रण में रखिए। देखिए, छठवां भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का हो जाता है। तो मामा मौसी से आपके मतभेद होने की संभावना है 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक बन रही थी। और आपके मामा से मनमुटाव भी हो रहा होगा 17 जनवरी 2023 से, जो कि आपके 29 मार्च 2024 तक रहेगा। देखिए, अगर आपने खर्च पे नियंत्रण नहीं रखा होगा 22 अप्रैल 2023 से, तो यहाँ पे आपके कर्ज बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई होंगी। थोड़ा बहुत बीमारियों को भी लेकर के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, गुरु की जो दृष्टि डल रही है वो आपके पांचवें भाव में पड़ रही थी, पर यहाँ पे पांचवें भाव में पड़ने के कारण भी आपके काम में जैसा आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होगा काम में, क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो काम में बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। तो देखिए, यहाँ पे जो आपके काम तो भी आपका आप कर रहे थे ना, तो काम में थोड़ा बहुत जैसे आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन आपको काम में रिजल्ट देरी से मिल रहा था, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। पिता के साथ आपके संबंध वैसे तो आपके ठीक ठाक चल रहे थे, पर यहाँ पे देखिए, जब आपके गुरु का गोचर होगा तो मनमुटाव होने की संभावनाएं पिता से बन रही है, बॉस से बन रही है, काम के जगह में आपके कलीग्स हो गए उनसे आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही है 1 मई 2024 से, जो कि 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और गुरु की सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके
बारहवें भाव में पड़ रही है। देखिए बारहवां भाव जो होता है वो होता है आपके हॉस्पिटल, जेल, खर्च, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए बारहवें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने लगी तो यहाँ पे आपका खर्च बढ़ा होगा 22 अप्रैल 2023 से, दवाइयों और बीमारियों को लेकर के आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा 22 अप्रैल 2023 से। यहाँ पर देखिए जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए अच्छा समय था 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और आपके छठवें भाव में गुरु विराजमान होकर के देखिए नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव में, और गुरु की दृष्टि गुरु के घर में ही डाल रहे हैं। और आपका दूसरा भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके कोष को लेकर के तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा, यानी कि आपके पैसे को आप सेविंग कर पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपके सेविंग्स को लेकर के आपको शुभ फल दे रहे थे गुरु, आपके परिवार वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती ला रहे थे गुरुदेव। पर यहाँ पे देखिए जब गुरु का गोचर हो जाएगा 1 मई 2024 को, तो यहाँ पे गुरु आपके सप्तम भाव में 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक विराजमान होके केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए जब केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा ना, तो यहाँ पे देखिए जो लोग भी प्रेम विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सप्तम भाव हो जाता है आपके स्पाउस भागीदार का, तो जो भी लोग प्रेम विवाह करने का सोच रहे थे उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है 1 मई 2024 से। आपके स्पाउस और आपके भागीदार के साथ मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ने वाली है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और गुरु देखिए यहाँ पे आपके सातवें भाव में जब विराजमान होंगे ना, तो इसकी पांचवी दृष्टि जो पड़ रही है आपके ग्यारहवें भाव में पड़ रही है। देखिए ग्यारहवा भाव जो हो जाता है ना वो हो जाता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, दोस्त पहचान के लोग, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके बड़े भाई बहन हो गए, पहचान के लोग हो गए, दोस्त हो गए, उनके साथ आपके रिलेशन पे मजबूती आने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। इनकम में आपके कहीं ना कहीं सुधार लाएंगे गुरुदेव जब 1 मई को आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, तो इनकम में आपके सुधार 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक रहेगा। पर यहाँ पे देखिए शनि चूंकि आपके कर्म स्थान पे देख रहे हैं तो काम में आपके बाधाएं बढ़ने वाली हैं, पिता के साथ मनमुटाव, बॉस के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। पर देखिए यहाँ मनमुटाव होने के बावजूद भी इनकम के लिए आपको शुभ फल मिलने वाला है। आपके कम्युनिकेशन को यानी कि आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, उससे आपको लाभ होने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए लग्न पे जब गुरु आपके सातवीं दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे देखिए 17 जनवरी 2023 से आपके स्वभाव में नेगेटिविटी आ रहा था, नेगेटिव माइंडेड आप रह रहे थे और आप में आलस्य भी बढ़ा था। तो देखिए जब गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक पड़ेगी ना, तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडेड होंगे। जो यहाँ पे शनिदेव के कारण आप में नेगेटिविटी आ रहा था उसमें आपको पॉजिटिविटी देखने मिलेगा 1 मई 2024 से। गुरु की दृष्टि चूंकि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी और यहाँ पे आपका वेट भी बढ़ सकता है। तो देखिए वेट यहाँ पे चूंकि बढ़ने की संभावनाएं बन रही है ना, तो यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वॉक करना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे वॉक करेंगे या फिर आप जिम में अपना 1.5 घंटा निकाल करके अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपके लिए ये समय ज्यादा फलदायी रहेगा, क्योंकि अभी आपके जो दिमाग होता है ना, दिमाग को आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि ये जो समय था ये आपके लिए अच्छा आने वाला है। क्योंकि पिछला साल जो था, पिछला साल तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों का बेकार गया है, बहुत ज्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, काम में तो एकदम फेलियर, इतनी बाधाएं कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी। पर यहाँ पे देखिए जब गुरु की दृष्टि अभी आपके लग्न में पड़ेगी, आपके ग्यारहवें भाव में पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और यहाँ पे आपके इनकम को बढ़ाएंगे, आपके सोच को पॉजिटिव माइंडेड करेंगे और आपको पॉजिटिव माइंडेड करके आपके काम में आप सही निर्णय ले पाएंगे। और यहाँ पे देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए तीसरा भाव जो हो जाता है ना वो हो जाता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो
तो यहाँ पे देखिए आपका डेली का प्रवास जो है वो बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, आपके धैर्य को बढ़ाने वाले हैं, आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती लाने वाले हैं गुरुदेव 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी भी आपके चौथे भाव में विराजमान है तो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से आपको हिम्मत मिलेगा। और गुरु आपके दूसरे भाव के स्वामी भी आपके सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए दूसरे भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं तो आपकी स्पाउस आपका सेविंग्स करने में मदद करने वाली है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। यानी कि देखिए आपको अगर कुछ सेविंग करना होगा ना तो आप अपने पैसे को अपनी वाइफ के थ्रू अगर आप जमा करेंगे तो ये समय आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना तो गुरु का गोचर जो आपका हो रहा है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं बताया आपको कि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है, आपको बहुत ही शुभ फल का प्रदान होने वाला है इस साल, खासकर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। देखिए ये जो समय अब आपका शुरू हो रहा है ना, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला समय शुरू हो रहा है। तो अभी अब आपको आपके काम में मेहनत तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए काम में आपके बाधाएं आएंगी, लेकिन काम में बाधाओं के बाद भी आपको इनकम में आपको कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है। तो आपको पॉजिटिव माइंडेड रह करके अब आगे काम करना है, और काम करके ये साल में जो कि आपको पिछले साल में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो ये साल में आपको ये जो परेशानियां थी वो आपकी कम हो जाएंगी और इनकम में आपके जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है उससे आपको अच्छा लाभ भी होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।